लाइंस एंड एंगल्स एक ऐसा चैप्टर जो कि अगले तीन चैप्टर के लिए बेस बनाता है और हाँ ऑफकोर्स यह पूरी ज्योमेट्री का एक बेसिक पार्ट तो है ही एक बहुत ही आसान बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है और आज की इस वीडियो में हम इसी चैप्टर को बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स के साथ फुल चैप्टर को एक सिंगल वीडियो में ही कंप्लीट करेंगे हालांकि हम इस चैप्टर की सभी थ्योरम सभी एग्जाम्पल एंड ऑफ कोर्स सभी क्वेश्चंस को एक सिंगल सिंगल सेपरेट वीडियो में कवर कर चुके हैं और अगर आप यह फुल चैप्टर की बजाय पर्टिकुलर क्वेश्चन कोई पर्टिकुलर थ्योरम या कोई एग्जाम्पल की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्ले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है आप वहां से क्लिक करके चेक कर सकते हैं तो चलिए और देर ना करते हुए पेन एंड नोटबुक लेकर रेडी हो जाइए मेरे साथ क्योंकि आपको समझाने की गारंटी है हमारी तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट वन से ही और हर एक क्वेश्चन का जो भी कॉन्सेप्ट होगा पहले हम उसको डिटेल में समझेंगे फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ठीक है तो चलिए क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं इन फिगर सिक्स पॉइंट वन थ्री देखिए फिगर यहां पर दे रखा है लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ देखिए एक लाइन है ए बी और एक लाइन है सी डी ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ पर यानी एक दूसरे को काट रही है पॉइंट ओ पर यहां दे रखा है इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ इक्वल टू सेवेंटी डिग्री ये देखिए दो एंगल का सम दे रखा है सेवनटी यानी कौन कौन से एक तो ए सी ये वाला एंगल दूसरा एंगल बी ओ बी ओ ये वाला एंगल यानी इन दोनों एंगल का जो सम है वो दे रखा है सेवनटी डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इक्वल टू फोर्टी डिग्री बी ओ डी देखो बी ओ डी बी ओ डी ये वाला जो एंगल है ये दे रखा है फोर्टी डिग्री ठीक है आगे हमें पता करना है फाइंड एंगल बी ओ बी ओ ये एंगल हमें पता करना है एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ये हमें पता करना है ठीक है तो चलिए हम एक काम करेंगे जो पहले ये जो दे रखा है ना बी ओ डी ये दे रखा है फोर्टी डिग्री अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि कभी भी दो लाइन इस तरह से क्रॉस करती हैं, कभी भी दो लाइन इस तरह से कट करती हैं, तो उनके ये जो एंगल अपोजिट वाले एंगल जो होते हैं ना ये इक्वल होते हैं इनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल तो यहां से हम ये लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी इक्वल टू फोर्टी डिग्री देखो यहां हम लिख देते हैं एंगल ए ओ सी इक्वल टू फोर्टी डिग्री ठीक है क्यों होगा इसका हम रीजन लिख देते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ठीक है अब हमें यह भी पता है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ इन दोनों का सम दे रखा है हमारे पास सेवनटी डिग्री चलो मैं यहां पर एक बार लिख देता हूं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बी ओ ई इक्वल टू दे रखा है सेवेंटी डिग्री और रीजन इसका क्या है ये गिवन है अब ए ओ सी हमने निकाल लिया फोर्टी डिग्री तो हम यहाँ पर लिख देते हैं फोर्टी डिग्री प्लस एंगल बी ओ इक्वल टू सेवेंटी डिग्री यहाँ से हम बी ओ ई की वैल्यू निकालेंगे बी ओ ई को इधर ही रहने देते हैं फोर्टी को उधर पहुंचा देंगे माइनस में तो सेवेंटी माइनस फोर्टी ये कितना आ जाता है ये आ जाता है थर्टी डिग्री ये डिग्री हैं सभी ठीक है ये डिग्री हैं सब यहां पर ये एंगल बी ओ की वैल्यू कितनी आ जाती है थर्टी डिग्री तो यहां देखिए ये एंगल हमें पता पड़ गया ये एंगल पता पड़ गया हमसे क्या पूछा था फाइंड एंगल बी ओ तो देखो बी ओ तो आ गया हमारा एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ये और पूछा है रिफ्लेक्स तो चलो मैं आपको बताऊंगा पहले सी ओ निकाल लेते हैं देखो सी ओ ये वाला एंगल ये एंगल हमें पता करना ये देखो ये एंगल आ गया ये एंगल आ गया तो ये एंगल तो हम तो आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन पे जो सभी एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री ठीक है फिर से बताता हूं एक अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसके ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे सभी एंगल्स का वन जो सम होगा कितना वन हो 180 डिग्री ये एंगल हमें पता ये एंगल पता ये निकाल लेंगे तो यहां पर मैं लिख देता हूं एंगल ए प्लस एंगल सी ओ ई सी ओ प्लस एंगल बी ओ ये इक्वल होगा किसके वन एट्टी डिग्री के बराबर ठीक है अब ए ओ सी की वैल्यू हमने यहाँ निकाल दी थी कितनी फोर्टी डिग्री और ये आया था वर्टिकली अपोजिट एंगल के बराबर ठीक है वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है इसलिए ये एंगल इसके इक्वल आ गया था ठीक है तो ए ओ सी की वैल्यू कितनी आ गई फोर्टी डिग्री प्लस सी ओ ई हमें पता नहीं इसको ऐसे ही रहने दिया प्लस बी ओ ई हमने निकाल चुके हैं कितना थर्टी डिग्री इक्वल टू तो वन एट्टी डिग्री एंगल सी ओ ई को हम इधर ही रहने देते हैं सॉरी सी ओ है ठीक है फोर्टी प्लस थर्ट ये कितना हो जाएगा सेवनटी डिग्री और सेवनटी ये सेवनटी को हम पहुंचा देंगे उधर यानी वन एट्टी डिग्री माइनस सेवनटी डिग्री ठीक है इन दोनों को जोड़ दिया सत्तर आएगा सत्तर को उधर पहुंचा दिया तो माइनस में आ गया तो वन एट्टी माइनस सेवनटी कितना हो गया वन हंड्रेड टेन डिग्री ये आ गया एंगल सी ओ लेकिन हमें एंगल सी ओ ई नहीं निकालना था हमें तो निकालना था इसका रिफ्लेक्स आप देखिए रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है रिफ्लेक्स एंगल आप एक बार जरा समझिए इस फिगर में जरा देखिए सी है ये वाला एंगल रिफ्लेक्स का मतलब इसके जो पीछे वाला ये जो एंगल है ये जो यहां से लेकर यहां तक पूरा इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स अब ये कितना होगा देखो टोटल कंप्लीट एंगल होता है थ्री डिग्री अब सी का रिफ्लेक्स निकालना है तो थ्री में से हम एंगल सी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी आ जाएगा ठीक है तो यहां लिख देते हैं रिफ्लेक्स लिख देता हूं रिफ्लेक्स एंगल सी कितना आ जाएगा 360 डिग्री माइनस एंगल सीओ और सीओ कितना आया 110 तो ये कितना आ जाएगा 360 में से ये 110 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 250 डिग्री ठीक है इस तरह से क्वेश्चन नंबर वन हमारा कंप्लीट हुआ करेंगे क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू है इन फिगर सिक्स फिगर हमारे पास ये दे रखा है लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ देखो एक्स वाई यानी कि ये और एम एन ये एक्स ये वाई और एम एन दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसका नाम है ओ चलो मैं इसका नाम देता हूं इफ एंगल इक्वल टू नाइनटी डिग्री एंड एस टू बीवल टू 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 थ्री देखो एस टू बी इन दोनों एंगल का जो रेशियो दे रखा है ना वो दे रखा है टू इस हमें पता करना है एंगल सी एंगल सी यानी ये एंगल हमें पता करना है तो चलिए करते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन है देखो इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं आपको जो भी तरीका पसंद आता है आप वो अप्लाई करिए ठीक है देखिए देखो सबसे पहले XY एक एक स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन लाइन है तो एक पे जो टोटल एंगल बनते हैं उन सभी का सम कितना होता है 180 डिग्री और पीओ वाई दे रखा है हमारे पास 90 डिग्री तो ए और बी इनका सम कितना आएगा इनका सम भी आ जाएगा 90 डिग्री तो मैं यहां ये यह लिख देता हूं पहले ए प्लस बी इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री और हमने ए और बी हमें ए और बी का रेशियो दे रखा है टू इस टू थ्री तो देखिए जब भी हमें रेशियो दे रखा होता है ना तो चलो मैं पहले आपको लिख के बताता हूँ जब भी हमें कोई रेशियो दे रखा होता है तो हम उसको इस तरह से ले लेते हैं लेट ए इक्वल टू टू एक्स एंड जो दूसरा है यानी कि बी बी को हम ले लेते हैं क्या थ्री एक्स देखिए ये जो रेशियो था ना इसके साथ एक कोई फैक्टर मल्टीपल है यानी कि टू के साथ कोई एक नंबर है मल्टीपल है थ्री के साथ एक नंबर मल्टीपल है ए की वैल्यू टू या बी की वैल्यू थ्री नहीं है ठीक है एक कोई नंबर मल्टीपल है मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ तो मैंने एक को नाइनटी डिग्री यानी तो या कि यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकाली कितनी नाइनटी डिवाइड बाई फाइव तो कर देते हैं ये आ जाएगा एटीन अब एक्स की वैल्यू एटीन डिग्री नहीं आई है ध्यान रखना एक्स की वैल्यू वो नंबर आ गया जो कि टू के साथ और थ्री के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे हम पहले ए और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं A 2X था ना तो टू इंटू एटीन यानी कि थर्टी सिक्स डिग्री बी कितना आ गया थ्री एक्स थ्री इंटू एटीन यानी कि फिफ्टी फोर डिग्री अब देखो ए और बी तो हमसे पूछा नहीं था हमसे पूछा था सी सी देखते हैं यहाँ पर एक ये एम एन एक स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पर अगर ये स्ट्रेट तो लाइन है तो बी और सी ये दोनों क्या है लीनियर पेयर है यानी इन दोनों का सम क्या वन 180 डिग्री एक स्ट्रेट लाइन पर हर कोई लाइन कट कर रही है और दो एंगल बनते हैं उन दोनों का होता 180 और उनको हम बोलते है क्या पर हम लिख देते हैं ऑल्सो बी प्लस सी इक्वल टू होगा 180 डिग्री मैं यहां रीजन लिख देता हूं क्या लीनियर पेयर ठीक है बी की वैल्यू हमें पता है 54 डिग्री हमने निकाल ली है तो 54 फोर प्लस सी इक्वल टू वन डिग्री यहां से सी की वैल्यू निकाल लेते हैं 54 फोर को उधर माइनस में पहुंचा देते हैं वन एट्टी वन एट्टी माइनस फिफ्टी ये डिग्री अगर मुझे कहीं ध्यान नहीं रहे ना तो आप लगा देना ठीक है फिफ्टी डिग्री है तो 180 में से 54 को घटा देंगे तो 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा 7 में से 5 टू और ये वन तो हमसे सी ही पूछा था चलिए अब मैं एक और मेथड बताता हूं वो भी थोड़ा सा आसान, ही है। उसको भी हम आसान कहेंगे और बी का हमें जब भी रेशियो वाले क्वेश्चन हो ना तो ए को हम मानेंगे टू पार्ट और बी को मानेंगे थ्री पार्ट किसका टोटल का ए की अगर मैं बात करूं तो ए क्या है देखो टू पार्ट टू अपॉन टोटल टोटल कितना है? तीन और दो पांच हो जाएगा और इनटू क्योंकि ए और बी का सम कितना था 90 डिग्री तो ए अगर निकालना है तो दो भाग है पूरे में से यानी पांच का दो भाग है और इंटू कर देंगे 90 तो कितना आ जाएगा फाइव को 18 से कर देंगे तो 18 इंटू टू कितना आ जाएगा थर्टी सिक्स डिग्री देखो डायरेक्ट आ गया एक ही स्टेप में आ गया एक ही वैल्यू ऐसे बी निकालना है तो देखो बी का कितनी हिस्सेदारी इसमें थ्री तो थ्री अपॉन ये टोटल यानी कि थ्री अपॉन फाइव इंटू टोटल यानी कि इन दोनों का सम कितना है 90 डिग्री इन टू नाइनटी तो फाइव एटीन तो जा नाइन्टी और एटीन थ्री जा फिफ्टी फोर डिग्री ठीक है तो बी हमारा आगे कितना फिफ्टी फोर डिग्री बाकी सी तो आप ऐसे ही निकालेंगे जैसे यहां निकाला है ठीक है ए और बी निकालने के लिए आप इस तरह से मेथड लगा सकते हैं ठीक है थीके? यहां पर ना इसको इसमें बंद कर दो जो भी हमारी इंपॉर्टेंट चीज होती है या जो भी हमने जो आंसर निकाला ना उसको हम ब्लॉक में बंद कर देना चाहिए रेक्टेंगल टाइप के बॉक्स में ठीक है तो टीचर का इससे ना डायरेक्ट ध्यान जाता है इस पर चलिए क्वेश्चन नंबर टू हमारा कंप्लीट को आप नंबर थ्री एक आसान सा क्वेश्चन है चलिए करते हैं इन फिगर सिक्स पॉइंट वन फाइव तो ये फिगर दे रखा है एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल 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 ये जो अंदर वाला है इक्वल टू दे रखा है एंगल पी आर क्यू के इस एंगल के इक्वल दे रखा है देन प्रूव दैट हमें प्रूव करना है एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी पी क्यू एस ये बाहर वाला जो एंगल है ये एंगल पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी ये बाहर वाले एंगल के इक्वल हमें प्रूव करना है एक काम हम कर सकते हैं देखिए ये जो एंगल हमें निकालना है ये और जो दे रखे हैं दो तो इक्वल देखिए इन दोनों एंगल का सम देखा जाए तो ये आ जाएगा डिग्री क्योंकि ये स्ट्रेट तो ये स्ट्रेट लाइन पर तो दोनों एंगल क्या है लीनियर पेयर तो हम यहां पर ये लिख सकते हैं एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इन दोनों एंगल का सम कितना होगा वन एट्टी डिग्री रीजन क्या होगा इसका रीजन होगा इसका ठीक ठीक है है और मैंने इस इक्वेशन को नाम दे दिया है फर्स्ट लीनियर पेयर क्यों क्योंकि लाइन पे सीधी लाइन अगर है तो दो एंगल अगर से बनने के बीच में कोई लाइन कट कर रही है तो इन दोनों एंगल का सम होता है वन एटी डिग्री सेम हम यहां पर भी यही कॉन्सेप्ट लगा देते हैं एंगल पी आर टी सॉरी पी है पी आर टी पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू पी आर टी बाहर वाला और पी आर क्यू अंदर वाला इन दोनों का सम क्या होगा वन एट्टी डिग्री यहां पर भी रीजन सेम होगा और इक्वेशन का नाम दे दिया मैंने सेकंड रीजन जो यहाँ लिखा लीनियर पेयर वही यहाँ होगा इन दोनों को इक्वेट करते हैं भाई देखो ये भी वन एट्टी डिग्री के बराबर ये भी वन एट्टी डिग्री के बराबर तो हम यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड या इन दोनों को जब हमने कंपेयर किया राइट हैंड साइड हमारा दोनों इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा तब हम लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल दिखा देंगे पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले इक्वल दिखा देंगे यानी कि एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू ठीक है अब देखिए यहां पर जो पार्ट फर्स्ट में सॉरी आवाज आ रही थी डिस्टर्ब हुआ सॉरी लेकिन हमें यहां पर यह भी गिवन है कि एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू मैं यहां लिख देता हूं बट बट इट इज गिवन दैट ठीक है बट इट इज गिवन

PQR की जगह में लिख देता हूं क्या एंगल पी आर क्यू एंगल पी आर क्यू इक्वल टू जो जैसा था वैसी उसको लिख देंगे एंगल पी आर टी एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू ठीक है अब हम क्या कर सकते हैं देखिए राइट साइड में ये एंगल पी आर क्यू और ये राइट साइड वाला एंगल पी आर क्यू ये दोनों हमारे कट गए क्योंकि दोनों हमने इक्वल कर दिए अब हमें क्या बचता है एंगल पी क्यू एस क्वल टू एंगल पी आर टी यही तो हमें प्रूव करना था देखिए यही प्रूव करना था ना एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी वही प्रूव करना था ठीक है तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ अब करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर देखिए क्वेश्चन नंबर फोर में भी लीनियर पेयर का ही कॉन्सेप्ट यूज होना है और लीनियर पेयर क्या होता है जब भी कोई एक स्ट्रेट लाइन होती है और उसको कोई एक लाइन कट करती है तो इन दोनों एंगल का सम या जो भी एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है वन एट्टी डिग्री और ये कब जब एक स्ट्रेट लाइन पे हो ठीक है तो यहाँ पर हमें ये दे रखा है कि X y दे रखा w Z के बराबर हमें प्रूव करना है कि एओबी एक लाइन है हमें यहाँ पर एओ बी एक लाइन प्रूव करना है अगर इन दोनों का सम हम 180 डिग्री प्रूव कर सके यानी इन दोनों को अगर हम लीनियर पेयर प्रूव कर सके तभी एक लाइन हो जाएगी ठीक है अब एक काम करते देखो ये कंप्लीट एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री ठीक है तो ये सभी एंगल को मैं जोड़ देता हूँ एक इस तरह से सर्कल जैसा बनना है ना तो इन सभी का सम कितना होगा थ्री सिक्सटी डिग्री तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x प्लस वाई प्लस डब्लू प्लस जेड इक्वल टू कितना थ्री सिक्सटी डिग्री अब देखो x प्लस वाई दे रखा w प्लस जेड के बराबर या तो w प्लस जेड की जगह लिख दो x प्लस वाई या x प्लस वाई की जगह w प्लस जेड मैं x प्लस वाई को ऐसे ही रहने दे रहा हूँ मैं यहाँ पर w प्लस जेड की जगह लिख दे रहा हूँ x प्लस वाई इक्वल टू कितना थ्री सिक्सटी डिग्री यहाँ पर देखो दो बार x है दो बार y है तो मैं टू या तो कॉमन ले लूँ या फिर चलो ऐसे ले देता हूँ टू एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू तो थ्री सिक्सटी डिग्री अब यहाँ से टू कॉमन ले लेता हूँ तो क्या आएगा टू कॉमन लिया एक्स प्लस वाई इक्वल टू तो थ्री सिक्सटी डिग्री ठीक है एक्स प्लस वाई को यहीं रहने देता हूँ टू को उधर पहुंचा देता हूँ डिवाइड में तो थ्री सिक्सटी अपॉइंट टू कितना हो जाएगा वन एट्टी डिग्री अब देखो एक्स प्लस वाई इन दोनों का सम आ गया वन एट्टी डिग्री का मतलब जब वन एट्टी डिग्री आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ इट एम्प्लाइज दैट एक्स एंड वाई आर लीनियर पेयर ठीक है ये क्या हो गए लीनियर पेयर देर फोर ये जो लाइन है जिस पर लीनियर पेयर बन रहे हैं एक्स और वाई किसपे ए यहाँ पे ओ है इसका नाम ये ओ पॉइंट सॉरी तो देर फोर देयर फोर ए ओ बी इज ए लाइन देयर फोर ए ओ बी इज ए लाइन ठीक है यही प्रूव हमें करना था क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं इन फिगर सिक्स पॉइंट वन सेवन यहाँ पर फिगर यह दे रखिये पीओ क्यू इज ए लाइन पीओ सॉरी यहाँ पर o, -O एक है ray, o line, यह o एक लाइन है रे इज पर पेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू देखिये ये ओ आर एक रे है जो कि पी क्यू पर पेंडिकुलर है पर पेंडिकुलर का मतलब है यहाँ पर नाइनटी डिग्री एंगल बना रही है ओ एस इज एनदर रे लाइंग बिटवीन रे ओपीड ओ आर देखो ओपी और ओ आर के बीच में एक और रे लाइन कर रही है इसका नाम है ओ एस प्रूव दैट एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस देखिए एंगल आर ओ एस के बारे में हमें निकालना है कुछ इक्वेट करना है तो आर ओ एस एंगल कौन सा है आर ओ एस यानी इस एंगल के बारे में हमसे पूछा है यानी हमें प्रूव करना है तो एक काम कर सकते हैं देखो जो प्रूव करना है ना वो तो हम पहले यहाँ लिख ही देंगे टी पी टी या टू प्रूव दैट क्या प्रूव करना एंगल आर ओ एस इक्वेट कर देते हैं, हैं यानी कि हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस हा आ, एंगल पी ओ एस ठीक है अब एक काम करते हैं आर ओ एस के बारे में ही हमें निकालना है तो आर ओ एस हमारा होगा कितना देखो आर ओ एस को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं एस ओ क्यू ये पूरा जो एंगल है ना यहाँ से यहाँ तक का इस पूरे एंगल में से यानी एस ओ क्यू में से हम 90 डिग्री घटा दें ठीक है इस पूरे में से अगर हम इतना पार्ट घटा देंगे 90 डिग्री तब हमारा आर ओ एस आ जाएगा ना एक इक्वेशन तो हम यहां से बनाते हैं देखिए एंगल आर ओ एस कितना आ जाएगा एंगल आर ओ एस आ जाएगा एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल आर ओ क्यू आर ओ क्यू लिख दो इसको या फिर डायरेक्ट हम इसे 90 डिग्री भी लिख सकते हैं चलो मैंने एंगल लगा दिया तो लिख देता हूँ एंगल आर ओ क्यू लिख देता हूँ एंगल एस ओ क्यू माइनस नाइनटी डिग्री ठीक है ये आ गया एंगल आर ओ एस के बराबर देखो एक इक्वेशन तो आ जाती है हमारी ये दूसरी क्वेश्चन देखो जरा जब ये 90 डिग्री है तो ये जो बचा हुआ पार्ट है यहां से यहां तक का पूरा ये भी 90 हुआ ना क्योंकि ये 90 प्लस नाइन्टी तभी तो 180 डिग्री होगा अब आर ओ एस को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि एंगल आर ओ एस इक्वल टू नाइन्टी माइनस इधर वाला एंगल यानी कि पी ओ एस तब भी एंगल आर ओ एस आ जाएगा ना तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑल्सो चलो मैं इसको ना इस तरह से बॉक्स में बंद कर देता हूँ ऑल्सो एंगल आर ओ एस इक्वल टू क्या आ जाएगा नाइन्टी डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस ठीक है अब यह इक्वेशन नंबर सेकंड चलो अब हम इन दोनों इक्वेशन को जो मैंने बॉक्स में बंद करी तो इनको जोड़ देते हैं ठीक है कुछ बच्चों का डाउट रहता है कि सर इनको जोड़ना ही क्यों है देखिए जोड़ना इसलिए है जब इनको जोड़ेंगे ना तो एंगल आर ओ एस एंगल आर ओ एस टू आर ओ एस आ जाएगा क्योंकि जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा एंगल टू आर ओ एस तो ऐसा ही कुछ हमें आएगा हमें कोशिश करनी है जो प्रूफ जो करना है ना टू प्रूव उसके जैसे ही हमें इक्वेशन मिले इन दोनों इक्वेशन में देखो इस जैसे ही कुछ इक्वेशन निकल के आने वाली ठीक है तो हम लिख देंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड ठीक है एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो देखो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट वाला आर ओ एस और आर ओ एस कितना ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस टू आर ओ एस इक्वल टू यहां पर इनको लिख देंगे एंगल एस ओ क्यू माइनस नाइनटी डिग्री प्लस सेकंड इक्वेशन जो है यानी कि 90 माइनस एंगल पी ओ एस देखो माइनस 90 प्लस नाइनटी ये कैंसिल आउट हो गए क्या बचता है एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल पी ओ एस ठीक है और यहां पे टू इंटू एंगल आर ओ एस था तो एंगल आर ओ एस को मैं अगर इधर ही रहने देता हूं तो जो इसके साथ टू है टू को उधर मल्टीप्लाई में सॉरी डिवाइड में पहुंचा देंगे टू यहां मल्टीप्लाई में तो दूसरी तरफ डिवाइड में पहुंचेगा यहां पर ठीक है कुछ इसी तरह का आ गया देखो क्यू ओ एस था यहाँ पे एस ओ क्यू है एक ही बात है इस एंगल को आप क्यू ओ एस भी लिख सकते हैं ठीक है इसको हम और लिख देते हैं अपॉन में टू है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं वन टू, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं तो वन अपॉइंट टू लिखा और जो एस ओ क्यू है क्योंकि हमें क्वेश्चन क्यों में क्यू ओ एस दे रखा है तो एक ही बात है इसको लिख देते हैं एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस और जो लेफ्ट साइड में उसको तो हम तो ऐसे ही रहने देंगे ठीक है तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया यही प्रूफ करना था चलिए करते हैं question. Question six. Six है, XYZ 64 XY P. तो सिक्सटी फोर डिग्री बना लेते हैं एंगल एक्स वाई जेड चलिए मैं एक रफ फिगर बना लेता हूँ एंगल एक्स वाई जेड का सिक्सटी फोर डिग्री चलो ये हो गया एंगल एक्स वाई जेड ये हो गया एक्स ये हो गया हमारा वाई और ये वाला पॉइंट हो गया हमारा Z. ये एंगल हमने बना लिया 64 डिग्री आप प्रोटेक्टर का यूज कर सकते हैं मैंने रफ फिगर बनाया एंगल 64 डिग्री एक्स वाई प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P एक्स वाई को हमने प्रोड्यूस कर दिया टू पॉइंट P को यानी एक्स वाई को हमने इधर की तरफ एक्सटेंड कर दिया टू पॉइंट P इसको नाम दे दिया हमने पॉइंट P. इसके बाद ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन ड्रॉ हमने कर लिया फिगर इफ रे वाई क्यू एंगल जेड वाई पी एक कोई रे है वाई क्यू जो कि एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है जेड वाई पी इस एंगल को देखो ये एंगल बनता था ये पूरा इसको बाइसेक्ट कर रही है ये रे और इस रे का नाम है वाई क्यू वाई और यहाँ नाम दे दिया हमने क्यू ठीक है बाइसेक्ट कर रही है इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल ये दोनों आपस में इक्वल होंगे ठीक है कोई भी रेग किसी भी एंगल को इस पूरे एंगल को अगर बाइसेट कर रही है किसी भी एंगल को बाइसेट कर रही है तो उन दोनों एंगल का जो एंगल हो गया आते हैं ना उन दोनों एंगल का सम इक्वल सम नहीं दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं ठीक है थीके? हमें पूछा है फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एक्स एक्स वाई क्यू ये पूरा एंगल पूछा यानी सिक्सटी फोर डिग्री प्लस ये एंगल जो भी आएगा एंड साथ में पूछा है हमसे रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी क्यू वाई पी ये एंगल पूछा है ना इसका रिफ्लेक्स पूछा है तो सबसे पहले तो ये एंगल निकालेंगे अब एक काम बता अब एक काम करते हैं देखो अब क्योंकि रे वाई क्यू इस एंगल को बाइसेक कर रही है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे मैं यहां पर एक्स नाम देता हूं ये भी एक्स एंगल और ये भी एक्स एंगल ठीक है क्योंकि दोनों इक्वल हैं अब देखिए क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पर है तो इन तीनों एंगल का सम कितना होगा वन एट्टी डिग्री तो सबसे पहले तो हम यहां से एक्स निकाल लेते हैं तो क्या होगा सिक्सटी फोर प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू वन एटी डिग्री क्योंकि ये तीनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं तो x और x हो जाएगा 2x 2x equal to 180 डिग्री माइनस इसको उधर पहुंचा देंगे तो माइनस कर देंगे 64 ठीक है तो 10 minus 4 6 आ जाएगा यहाँ पर 7 minus 6 1 आ जाएगा तो यह आ जाएगा 116 ठीक है इक्वल टू यहाँ पर 2x है तो x की वैल्यू निकालेंगे तो x equal to 116 divide by 2 कैंसिल आउट कर देंगे 25 जत 10 28 16 अब देखो x आ गया 58 डिग्री ठीक है एक्स आ गया फिफ्टी एट डिग्री ये फिफ्टी एट ये भी फिफ्टी एट हमसे क्या पूछा था हमसे पूछा था एंगल एक्स वाई क्यू तो एंगल एक्स वाई क्यू क्या होगा एंगल एक्स वाई क्यू देखो एक्स वाई क्यू क्या हुआ सिक्सटी फोर प्लस एक्स तभी तो ये आ जाएगा एक्स वाई क्यू एक्स वाई क्यू क्या हुआ एक्स प्लस सिक्सटी फोर तो एक्स प्लस सिक्सटी फोर होगा यानी कि एक्स हमने निकाला फिफ्टी एट डिग्री प्लस सिक्सटी फोर कितना आ जाएगा इनको जोड़ देते हैं आठ और चार बारह पाँच और यानी कि एक सौ बाईस डिग्री वन हंड्रेड ट्वेंटी टू डिग्री दूसरा एंगल पूछा है हमसे फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू तो आ गया पूछा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स तो क्यू वाई पी वैसे देखो क्यू वाई पी क्या एक्स अगर पहले एक्स निकाल लिया है हमने तो इसका रिफ्लेक्स निकाल लेंगे यानी इसको थ्री सिक्सटी डिग्री से माइनस कर देंगे तो लिख देते हैं एंगल क्यू वाई पी कितना आया x के बराबर आया और x कितना है हमारा x है 58 डिग्री अब इसका रिफ्लेक्स क्या होगा हाँ, यहाँ लिख देते हैं तो जिस एंगल का रिफ्लेक्स निकालना होता है उसको हम 360 डिग्री से माइनस कर देते हैं तो 360 सिक्सटी माइनस फिफ्टी एट डिग्री कितना तीन सौ दो डिग्री ठीक है क्वेश्चन सिक्स हमारा कंप्लीट हुआ इस तरह से एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट वन तो कंप्लीट होगी हमारी

सबसे पहले तो जब ए बी पैल है सी डी के और सी डी पैरल है ई एफ के तो ये तीनों लाइन आपस में क्या होंगे पैरल तो हम यहां पर लिख लेते हैं ए बी पैरल टू सी डी और सी डी पैरल है ई एफ के ठीक है ये यहां पर गिवन है ठीक है हम एक काम करेंगे ये एंगल जेड है तो ये भी एंगल जेड होगा क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं मैं जरा समझाता हूं जब भी दो लाइन पैरेलल होती हैं और कोई लाइन एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो इस ट्रांसवर्सल के एक तरफ के यानी कि इस लाइन में अगर इधर की बात करता हूं तो ये ऊपर वाला और यहाँ भी ऊपर वाला एंगल इस लाइन के ऊपर वाला इस लाइन के ऊपर वाला सेम साइड के ऊपर ऊपर के या फिर सेम साइड के नीचे नीचे वाले

या फिर मैं ये कहूँ कि वाई और जेड दोनों लीनियर पेयर भी हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल होते हैं कोई लाइन कट करती है तो उन दोनों एंगल का सम कितना होता वन एट्टी uh, डिग्री उनको बोलते हैं लीनियर पेयर यहाँ पर देखो वाई और जेड को रेशियो में दे रखे ना तो हम यहाँ पर कुछ इनके इक्वेट कर देते हैं तो लेट y इक्वल टू देखो, देखो y का पार्ट है थ्री तो थ्री अपॉन इन दोनों का सम कितना आएगा थ्री प्लस सेवन कितना टेन और इन टू और इन दोनों का सम कितना है वन एट्टी डिग्री इन दोनों स्ट्रेट लाइन पे तो वन एट्टी डिग्री तो थ्री अपॉन टेन इंटू वन एट्टी डिग्री मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था दो तरीके बताया था या तो हम इनके साथ रेशियो ले लें ले यानी वाई को थ्री ए ले लें ले और जेड को सेवन ए ले लें और दोनों का सम यानी थ्री ए प्लस सेवन ए इक्वल टू टेन ए आ जाएगा टेन इक्वल टू वन एटी डिग्री इस तरह से भी निकाल सकते हैं या फिर आप इनके पार्ट के साथ निकालो जैसे वाई को माना थ्री पार्ट तो थ्री अपॉन इनका सम यानी टेन और इंटू इन दोनों एंगल का सम कितना था वन एट्टी डिग्री तो इंटू वन एट्टी डिग्री करते हैं इस तरह से हमें डायरेक्ट जीरो से जीरो काट दिया और डायरेक्ट थ्री इंटू एटीन को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया फिफ्टी फोर डिग्री हमारी वाई की वैल्यू आ गई कितनी फिफ्टी फोर डिग्री ठीक है ऐसे ही हम जेड निकाल लेते हैं तो जेड कितना आ जाएगा जेड जेड का भाग कितना है सात भाग है तो सेवन अपॉन इन दोनों का सम थ्री प्लस सेवन कितना 10 आ जाएगा टेन आ जाएगा और इन टू दोनों एंगल का सम कितना वन एट्टी डिग्री जीरो से जीरो कैंसिल आउट और ये कितना आ जाएगा वन ट्वेंटी सिक्स डिग्री ठीक है तो जेड आ गया हमारा वन ट्वेंटी सिक्स डिग्री हमसे क्या पूछा है हमसे पूछा है एंगल x अब देखो x और z ये दोनों क्या हैं ये दोनों एंगल हैं हमारे अल्टरनेट इंटीरियर अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं मैं समझाता हूं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जब दो लाइन हमारी पैरेलल हो तो ये ट्रांसवर्सल है तो इस ट्रांसवर्सल के एक इधर का तो एक इधर का और ध्यान रखना है अंदर वाले जैसे इस लाइन का अंदर वाला ये है इस लाइन के अंदर वाला ये है यानी इस लाइन से ऊपर या इस लाइन से नीचे नहीं जाना चाहिए एक इधर का एक इधर का उनको हम क्या बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो एंगल एक्स इक्वल टू एंगल जेड होगा तो मैं लिख देता हूँ एक्स इक्वल टू जेड और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी जो जेड की वैल्यू कितनी वन ट्वेंटी सिक्स डिग्री तो एक्स कितना आ गया हमारा वन ट्वेंटी सिक्स डिग्री रीजन क्या होगा यहाँ पर रीजन होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल मैं पूरा लिख देता हूँ ठीक है ऑल्टरनेट इंटीरियर इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल ठीक है तो एंगल एक्स आ गया एंगल जेड हमसे पूछा ही नहीं था चलो कोई बात नहीं लेकिन निकालना जरूरी था जेड तभी हम एंगल एक्स को निकाल पाते ठीक है तो क्वेश्चन कंप्लीट हो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर टू है इन फिगर सिक्स पॉइंट टू फोर देखिए फिगर यहाँ दे रखा है इफ ए बी पैरल टू सी डी देखो ए बी सी डी के पैरल दे रखा है यानी ये दोनों लाइन पैरल गिवन है एंड एंगल जी इक्वल टू वन ट्वेंटी सिक्स डिग्री देखो जी तो जी ई डी ये जो पूरा एंगल है ये गिवन है हमारे पास वन ट्वेंटी सिक्स डिग्री ठीक है पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक का फाइंड एंगल ए जी ई ए ए जी ई ये एंगल कितना होगा चलिए ये तो एंगल आसानी से आ जाएगा एंगल जी ई एफ जी ई एफ ये एंगल हमसे पूछा है ठीक है जी ई e, एफ तो ये वाला एंगल हो गया एंड एंगल एफ जी ई एफ जी ई ये एंगल भी हमसे पूछा है ठीक तो है तो चलिए करते हैं इसको देखो एंगल जी ई डी दे रखा है 126 डिग्री तो हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री ये हमने यहाँ पर गिवन के तौर पर लिख दिया ठीक है अब देखो एंगल जी ई डी जितना एंगल जी ई डी होगा उतना ही एंगल ए जी ई होगा ए जी ई क्यों क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं तो इस ट्रांसवर्सल के इधर का और इस ट्रांसवर्सल के ही इधर का एक इधर का एक इधर का ये दोनों एंगल क्या कहलाते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ये इक्वल होते हैं ठीक है तो एंगल ए जी ई कितना होगा जो हमसे पूछा एंगल ए जी ई तो एंगल ए जी ई होगा हमारे एंगल जी ई डी के बराबर और रीजन क्या होगा पहले तो इसको लिख देता हूँ एंगल ए जी जी के बराबर होगा जो कितना है डिग्री मैं है लिख देता ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल ठीक है तो एंगल ए जी ई आ गया अब नेक्स्ट निकालना जी ई एफ e, जी ई एफ अब देखिए ये पूरा एंगल दे रखा वन ट्वेंटी सिक्स डिग्री और ये दे रखा है नाइनटी अगर इस पूरे में से ये 90 को घटा देंगे तो एंगल यही तो बचेगा एंगल जी ई एफ ही तो बचेगा चलो ये बात लिख देते हैं यहाँ पर एंगल जी ई एफ तो एंगल जी ई एफ कितना आ जाएगा यानी ये पूरा कितना 126 डिग्री और 126 डिग्री में से ये घटा देते हैं यानी कि 90 डिग्री को घटा देते हैं कितना बचेगा ये बचेगा 36 डिग्री तो एंगल जी ई एफ हमारे पास आ गया कितना आ गया 36 डिग्री ठीक है ए जी ई हम पहले ही निकाल चुके हैं 126 डिग्री के बराबर नेक्स्ट है हमारा एंगल F, G, e. F, F, G, e. ये एंगल एफ ये हमें पता करना है अब बताइए e हम पहले ही निकाल चुके कितना बराबर तो ए जी ई ये एंगल प्लस ये एंगल ये दोनों क्या है लीनियर पेयर एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनते हैं कोई लाइन कट करती है उनको लीनियर पेयर बोलते हैं और जो लीनियर पेयर होते हैं उनका सम कितना होता है वन एटी डिग्री तो यहां से एंगल ये निकाल लेते हैं एफ जी ई या इजी एफ एक ही बात है तो यहां पर लिख देते हैं एंगल एफ जी ई प्लस एंगल ए जी ई इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री और रीजन क्या होगा इसका लीनियर पेयर और लीनियर पेयर का सम 180 होता है इसलिए हमने यहां लिख दिया 180 डिग्री अब देखो ए जी ई हम निकाल चुके हैं 126 तो यहां लिख देते हैं तो एंगल एफ जी ई प्लस वन ट्वेंटी सिक्स डिग्री इक्वल टू वन एट्टी डिग्री एफ जी ई को हमने यहीं रहने दिया एफ जी ई वन ट्वेंटी सिक्स को उधर पहुंचा दिया वन एट्टी माइनस वन ट्वेंटी सिक्स तो माइनस कर देंगे दस में 6 छः जाएगा चार बचेगा सात में से दो जाएगा तो पाँच बचेगा फिफ्टी फोर डिग्री एंगल एफ जी ई कितना आ गया हमारे पास फिफ्टी फोर डिग्री ठीक है क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री है इन फिगर सिक्स पॉइंट टू फाइव देखिए फिगर यहाँ दे रखा है इफ पी क्यू पैरल टू एस टी देखो पी क्यू एस टी के पैरल यानी पी क्यू एस टी ये दोनों लाइन आपस में पैरल है एंगल पी क्यू आर इक्वल टू वन हंड्रेड टेन पी क्यू आर तो पी क्यू आर ये देखा वन हंड्रेड टेन डिग्री एंड एंगल आर एस इक्वल टू वन थर्टी डिग्री आर एस टी आर एस टी ये देखा एक सौ तीस डिग्री फाइंड एंगल क्यू आर एस क्यू आर एस ये एंगल हमें पता करना है ये वाला एंगल ठीक है तो देखिए यहाँ हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा डायरेक्ट हम इसको नहीं निकाल सकते क्या करेंगे इस लाइन के पैरल हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे पैरल ठीक है ये लाइन हमारी पैरल हो जाएगी इसके पी क्यू के लाइन हो जाएगी यहाँ से पैरल चलो इसको नाम देते हैं यहाँ पे एम आर एम आर एम पैडल टू पी क्यू एक तो कंस्ट्रक्शन ये करना पड़ेगा और इसी लाइन को हम एक्सटेंड कर देंगे इस लाइन को हम यहाँ एक्सटेंड कर देंगे ठीक है और इसका नाम दे देंगे यहाँ यहाँ एम दिया यहाँ पर नाम दे देंगे दे एन ठीक है अब देखो क्योंकि एस टी और पी क्यू ये दोनों पैरेलल गिवन है इधर का पैरेलल पैरेलल टू के गिवन है और हमने कंस्ट्रक्शन से इस लाइन को इसके पैरेलल ड्रॉ करा और यही लाइन तो है ये सेम लाइन है तो जब ये इसके पैरेलल है तो ये इसके भी पैरेलल होगी ठीक है तो ये पूरी लाइन इसके और इसके दोनों के पैरेलल होगी ठीक है हम क्या करेंगे इन दोनों पैरेलल लाइन से इन दोनों पैरेलल लाइन से यहाँ पे प्रॉपर्टी लाएंगे ये एंगल निकाल लेंगे और इन दोनों पैरेलल लाइन की हेल्प से ये एंगल निकाल लेंगे ठीक है जब ये एंगल और ये एंगल आ जाएंगे तो हम आसानी से ये एंगल निकालेंगे कॉन्सेप्ट है इसके पीछे ये ठीक है तो सबसे पहले हमें जो कंस्ट्रक्शन हमने किया है वो हमने यहां पर लिखना पड़ेगा ठीक है तो लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया ड्रॉ एम आर या एम एन पैरेलल टू पी क्यू ऐसे लिख देते हैं चलो ड्रॉ एम एन पैरेलल टू पी क्यू ठीक है और हमारे पास पी क्यू से ही पैरल है गिवन किसके एस टी के आल्सो मैं यहाँ लिख देता हूँ आल्सो पी क्यू पैरल है किसके एस टी के और यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ ये गिवन ठीक है तो मैं यहाँ यहाँ एक लाइन स्ट्रेस लिख देता हूँ इट इम्प्लाइज दैट पी क्यू ये पैरल हो गया किसके एम आर या आर एम भी लिख सकते हैं एम आर लिख देता हूँ या एम एन लिख देता हूँ सॉरी पूरा पी क्यू पैरल टू एम एन लिख देता हूँ तो और ये इसके भी पैरल हो गए किसके एस टी के ठीक है इन दोनों की हेल्प से अब देखिए जब भी दो लाइन पैरलल होती हैं, तो उनके बीच में जो एंगल्स होते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री मतलब क्या हुआ ये ट्रांसवर्सल है ये दो लाइन पैरलल हैं, तो ये जो दो एंगल है इनका सम होगा सप्लीमेंट्री यानी कि वन डिग्री ठीक है तो मैं यहां लिख देता हूं इस एंगल का नाम एम आर क्यू ठीक है तो यहां लिख देते हैं पहले तो एंगल एम आर क्यू प्लस वन हंड्रेड टेन डिग्री ठीक है एम आर क्यू यानी ये वाला एंगल और प्लस ये वन हंड्रेड टेन डिग्री इक्वल टू क्या होगा वन एट्टी डिग्री ठीक है यहाँ पर रीजन लिख देता हूँ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बिटवीन टू पैनल्स आर सप्लीमेंट्री ठीक है तो ये हो गया रीजन अब यहाँ से एंगल एम आर क्यू निकाल लेते हैं एंगल एम आर क्यू कितना आ जाएगा एम आर क्यू को यहीं रहने देते हैं वन हंड्रेड टेन को उधर पहुंचा देते हैं माइनस में तो वन एट्टी माइनस वन हंड्रेड टेन डिग्री कितना आ जाएगा ये आ जाएगा सेवनटी डिग्री तो यहां से एंगल एम आर क्यू आ गया एम आर क्यू कितना आ जाता है ये आ जाता है सेवनटी डिग्री उसी तरह से जैसे ये सेवनटी आ गया ऐसे ही जैसे यहाँ जैसे यहां प्रॉपर्टी लगाई सेम यहां पर भी प्रॉपर्टी लगा देते हैं ठीक है तो यहां लिख देता हूं सिमिलरली सिमिलरली इसका नाम क्या होगा एंगल एस आर एन एंगल एस आर एन एंगल एस आर एन प्लस वन थर्टी इक्वल टू होगा वन एट्टी के बराबर और इसका रीजन क्या होगा जो यहाँ लिखा है ना वो सेम आप यहाँ पे छाप देंगे ठीक है क्योंकि ये दोनों लाइन पैरल हैं तो पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल्स बनते हैं उनका सम वन एट्टी डिग्री होता है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल तो यहाँ से एंगल एस आर एन निकाल लेते हैं एंगल एस आर एन कितना आ जाएगा वन थर्टी को उधर पहुंचा देंगे माइनस में तो ये वन एट्टी माइनस वन थर्टी आ जाएगा कितना फिफ्टी डिग्री ठीक है एंगल एस आर एन आ गया फिफ्टी डिग्री अब देखिए हमें इन दोनों एंगल का निकालने का हमारा मकसद नहीं था हमें पूछा था क्यू आर एस लेकिन क्यू आर एस निकालने के लिए पहले ये दो एंगल हमें निकालने जरूरी थे अब देखिए चलो यहाँ लाइन खींच के यहाँ सॉल्व कर दूंगा देखिए ये स्ट्रेट लाइन पे जो पूरे एंगल का सम कितना होता है वन एट्टी डिग्री ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होगा वन एट्टी डिग्री तो ये कितना आया चलो मैं पहले ना इनके नाम लिखता हूँ एंगल एम आर क्यू प्लस

तो एंगल क्यू आर एस कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 120 डिग्री 120 डिग्री को इधर पहुंचा दिया माइनस का 120 डिग्री ठीक है कितना आ गया माइनस कर दिया तो 60 डिग्री एंगल क्यू आर एस हमारा कितना आ गया 60 डिग्री यही हमें निकालना था ठीक है क्वेश्चन हमारा खत्म अब करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं इन फिगर सिक्स पॉइंट टू सिक्स तो फिगर यहाँ दे रखा है इफ ए बी पैरल टू सी डी यहाँ पर ए बी लाइन और सी डी लाइन दोनों पैरेलल आपस में गिवन है एंगल ए पी की दे रखा है फिफ्टी डिग्री ये दे रखा है एंगल ए पी की फिफ्टी डिग्री एंड एंगल पी आर डी इक्वल टू वन ट्वेंटी सेवन पी आर डी ये वन ट्वेंटी सेवन डिग्री दे रखा है हमें एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी है अब यहाँ पर आप समझिए जब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो एक्स जो है फिफ्टी डिग्री के बराबर होगा क्यों जब कोई एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को कट करती है तो एक इधर का और एक इधर का और दोनों ही लाइन के अंदर वाले यानी कि इंटीरियर एंगल वाले ठीक है तो क्या होते हैं इक्वल तो मैं डायरेक्ट यहां पर पहले तो ये लिख देता हूँ x की वैल्यू कितनी आ जाती है 50 डिग्री रीजन क्या होगा इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल ठीक है x आ गया 50 अब यहाँ पर अब एक बात समझिए ये बाहर का एंगल है 127 डिग्री ये दोनों लाइन पैरल है तो ये जो बाहर का एंगल होगा यानी कि इधर का ये एंगल पी आर डी ये जो होगा ये इसके एंगल के बराबर होगा ये भी क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पर भी लगा देंगे यानी ये पूरा एंगल कितना फिफ्टी प्लस वाई फिफ्टी प्लस वाई इक्वल टू तो होगा वन ट्वेंटी सेवन डिग्री के रीज़न इसका यही होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं फिफ्टी को उधर पहुँचा देंगे यानी वन ट्वेंटी सेवन माइनस ये डिग्री में है सब भाई जहाँ मुझे ना ध्यान नहीं ना तो आप अंडरस्टूड आप समझ लेना पहले से कि ये डिग्री में ही है वन ट्वेंटी सेवन माइनस फिफ्टी डिग्री ये सात में से जीरो यहाँ सात बचेगा बारह में से पाँच यहाँ पे बचेगा सात यानी सेवनटी सेवन डिग्री

देखिए यहां पर मैंने एक यहां से बी से एक ही एम एक ही नॉर्मल डाल दिया यानी कि एक परपेंडिकुलर डाल दिया ऐसे यहाँ सी पॉइंट से यहाँ पर इस पर एक ये सी एन एक परपेंडिकुलर हो गया ये इंसिडेंट रे इस नॉर्मल पर जिस एंगल से जाएगी मतलब टकराएगी उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट होकर जाएगी यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल अगर मैं इसको नाम देता हूँ एंगल वन और ये एंगल टू ये दोनों एंगल वन इक्वल एंगल टू होगा अब ये रे इस लाइन के लिए फिर से इंसिडेंट रे हो गई तो ये एंगल होगा और ये टकरा करके गई ये वाली तो ये एंगल तो ये एंगल दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल इसको नाम देता एंगल एंगल और ये एंगल हो गया तो ये एंगल एंगल नाम नाम दिया इसको एंगल नाम दिया तो यहाँ पर भी एंगल थ्री तो एंगल इक्वल होगा ठीक है तो यहां पर हमें थोड़ा सा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा ठीक है ठीके? अब देखिए मैंने क्योंकि ये लाइन बी एम हमने परपेंडिकुलर डाला है इसके ऐसे सी एन इसके परपेंडिकुलर डाला है कभी भी दो लाइन जब पैरेलल हो उनके बीच में जब परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो दोनों आपस में भी क्या होती हैं पैरेलल होती हैं ठीक है तो हमने पहले तो जो कंस्ट्रक्ट किया है वो हम यहाँ लिख देते हैं ड्रॉ बी एम बी एम पर टू आर सी ये परपेंडिकुलर का साइन है मतलब कि बी एम आर सी डिग्री बना रहा है एंड दूसरा सी एन सी एन पर टू पी क्यू ठीक है अब यहां से देखिए पहले तो एंगल वन इक्वल टू होगा एंगल टू किसके चलो मैं इसको नाम देता हूं फर्स्ट और क्यों क्योंकि बाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहां से एक इक्वेशन तो होगी हमारी ये एंगल वन इक्वल टू एंगल टू ऐसे ही एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर ऐसे ही एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर ये भी होगी इक्वेशन ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड और यहाँ पर भी लॉ लगेगा यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये होगी इक्वेशन सेकंड अब देखिए क्योंकि बी एम और सी एन दोनों परपेंडिकुलर हैं और दो पैरल लाइन के बीच में तो ये भी आपस में दोनों पैरल होंगी ठीक है तो आपको यहां पर ये बात लिखनी पड़ेगी बी एम पैरल होगा किसके सी एन के क्यों होगा ये होगा बाई कंस्ट्रक्शन या आप ये लिख सकते हैं चलो बाई कंस्ट्रक्शन ही लिख देते हैं डायरेक्ट बाई कंस्ट्रक्शन जब ये दोनों लाइन बी एम और सी एन पैरल है तो यहां से देखिए एंगल टू इक्वल टू, टू एंगल थ्री होगा क्यों होगा

इक्वल टू एंगल थ्री को भी डबल कर देता हूँ तो एंगल थ्री प्लस थ्री के बराबर होगा मैंने क्या करा इसका भी डबल यानी टू इंटू टू से मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया टू से मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया तो ट्वाइस ऑफ एंगल टू यानी एंगल टू प्लस टू ट्वाइस ऑफ एंगल थ्री अब मैं यहाँ पे ना एक लाइन लिख देता हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल टू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल थ्री टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा ना लेकिन काटून नहीं है हमें तो डबल कर दिया इसलिए मैंने यहाँ दो बार लिख दिया यहाँ पे भी दो बार लिख दिया अब देखो क्योंकि वन और टू दोनों बराबर थे ना तो मैं एक बार टू की जगह एंगल वन लिख देता हूँ और दूसरे टू को ऐसे रहने देता हूँ और एक बार एंगल थ्री की जगह क्या लिख दूँ मैं एंगल फोर तो इस थ्री को ऐसे रहने दिया और इस थ्री की जगह लिख दिया मैंने एंगल फोर रीजन रीजन मैंने ऐसा क्यों किया तो यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड की हेल्प से मैंने इस वाले इक्वेशन में जो थर्ड इक्वेशन थी इसमें इसको इस फॉर्म में लाके इसको ऐसे चेंज कर दिया अब देखो वन प्लस टू क्या होगा वन प्लस टू हो जाएगा हमारा एंगल ए बी सी एंगल ए बी सी ऐसे ही देखो एंगल थ्री प्लस फोर थ्री प्लस फोर चाहिए तो थ्री प्लस फोर क्या हुआ एंगल बी सी डी तो लिख देता हूँ एंगल बी सी डी अब यहां पर आप एक बात बताइए जब ये पूरा एंगल इक्वल टू हो गया इस पूरे एंगल के तो ये लाइन ए बी और सी डी पैरल हो गई ना क्यों जब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है और ये एंगल इक्वल है क्या इन एंगल को हम बोलेंगे क्या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक लाइन ये है एक लाइन ये है बीच में एक ट्रांसवर्सल है जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो लाइन पैरेलल होती हैं और जब दो लाइन पैरेलल होती हैं हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते ठीक है तो मैं यहां लिख देता हूं इट इंप्लाइज दैट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल और जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो हम यहां लिख सकते हैं देयर फोर ए बी पैरेलल टू सी डी क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म

या इन सब क्वेश्चंस के अलावा आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना ठीक है चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में ओके थैंक यू